لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات یہ تیسری مجلس ہے اور اس عشرے میں ہمارا موضوع اسلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہوں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس میں اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے جو ایمان والے ہیں کہ تم سب کے سب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اب سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے. آپ نے دو مجلسیں سنی اور اس میں بہت سی باتیں اشارتاً یا صراحتاً آپ کے سامنے آئیں. کچھ باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں ذکر یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید ایمان لانے والوں سے مطالبہ کر رہا ہے جو خود پہلے سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اچھا، ادخلو بھی جو ہے وہ حکم ہے، کیونکہ امر کا صیغہ ہے جس میں مطالبہ پایا جاتا ہے، جس میں طلب پائی جاتی ہے. انجام دو، بڑا جیسے چھوٹے سے کہتا ہے، بڑا ڈیمانڈ کرتا ہے، چھوٹا ڈیمانڈ نہیں، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی. بھائی اللہ سے بڑا کون؟ ابھی آپ نے سنا خالق اکبر، سب سے بڑا خالق. ہاں یہ اردو ہے، بہرحال تنگ دامانی ہے، خالق اکبر کہا جاتا ہے، ورنہ اس سے بڑا کون ہے؟ کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ خالق ہے کون؟ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں مکمل طور پر اسلام، اس کا مطلب اسلام لانے کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر آدمی نہ آیا ہو. دیکھیے یہ نقطہ ہے،
ये ऐन मुमकिन है कि कलेमा पढ़ने के बाद भी मुकम्मल इस्लाम, अब उसका एक रीज़न तो जहालत हो सकती है, बड़ी वजह जहालत हो सकती, यानी इस्लाम के बारे में कुछ जानता नहीं, पैदाइशी मुसलमान है, तो चाहे मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो या मुकम्मल इस्लाम से खारिज हो, दोनों बराबर है। इसके लिए क्या है भाई, जो मौरूसी तौर पर मुसलमान है तो उसके लिए मसला ही नहीं है, बराबर है वो। वो सिर्फ ये जानता है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हो गया हूँ, ना उसको ये पता है कि इस्लाम में क्या खसूसियत है, क्या अच्छाई है, क्या वो चाहता है, ना उसको ये पता है कि अगर हम मुसलमान ना रहेंगे तो क्या नुकसान है। ये एक क्वालिटी है दुनिया में। एक क्वालिटी, एक किस्म और मुसलमानों की है कि जो मुसलमान तो हैं मगर अधूरे, नाकिस मुसलमान, उनसे ये मुतालबा है मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि पहले ही से आपका इस्लाम नाकिस है। क्या करें, कलेमा तो पढ़ लिया है, कलेमा पढ़ना काफ़ी नहीं, कलेमा तो आइडेंटिटी है बस, शिनाख्ती कार्ड है कि आप गैर नहीं हैं, बस तवज्जो चाहूँगा, आप गैर जानी पहचानी हुई आवाज़ है, कोई अपना ही है जो इधर आ गया है, तवज्जो चाहूँगा, बहुत तवज्जो चाहूँगा। तो ये कलेमा आइडेंटिटी है, मुश्किल खड़ी उस वक्त होती है कि कलेमा पढ़ने के बाद अब इस्लाम का कोई मतलब नहीं रहता, तो फिर ज़ाहिबा इस्लाम कहता है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सब के सब मुकम्मल, काफ़ा के माने यही कि काफ़ा जो है वो अरबी ग्रामर में जैसे अजमा अक्ता वगैरह है कि ये ताकीद के लिए लाया जाता है जब सबको दाखिल करना हो, कि ये यकीन हो जाए सुनने वाले को कि एक फ़र्द भी अब इस दरवाज़े से बाहर नहीं रही, जितने लोग बाहर थे सब इमामबाड़े के अंदर आ गए, तो ये ताकीद के लिए आप भी ऐलान करते हैं। तमाम मोमिन से गुजारिश, आप कह दीजिए मोमिनीन से गुजारिश, मोमिनीन तो खुद ही जमाए, आप तमाम क्यों कहते हैं, ये तमाम ताकीद के लिए कि अब भी अगर किसी को शुबहा हो कि हमको नहीं बुलाया गया है, तो वो यकीन कर ले, नहीं भैया हमको भी इस मजलिस में दावत दी गई है। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि मजलिस में मसलन तशरीफ़ ले आएँ, तो काफ़ा भी ये तमाम की तरह से है। उदखुलू फिस्सिल में काफ़ी था, तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, काफ़ा यानी तुम सब के सब मुकम्मल तौर पर। तो मैं एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा, एक जुमला कहना चाहूँगा, इस्लाम का फ़ायदा उसी वक्त है कि जब कलमा पढ़ने के बाद मुकम्मल तौर पर हम इस्लाम के दायरे में आ जाएं। अब कैसे आएंगे, आएंगे कैसे, देखिए कैसे आएंगे, ये तो बड़ा लंबा मौजू है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, मगर हमारी मजबूरी ये है कि हम आयत का सही तर्जुमा करें आपके सामने, ताकि ये भी पता चल जाए कि क्या मजबूरियां इस्लाम के साथ पेश आईं, क्या हुआ इस्लाम के साथ। इधर आप कहते हैं रात में भी मजलिस में, आकिल भाई जो मजलिसें पढ़ते हैं उसमें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, पॉइंट की बातें होती हैं। अच्छा, चूँकि इतनी देर हो जाती है
लिहाजा बहरहाल गुनूदगी भी तारी हो जाती, आँख बंद भी हो जाती, तो आदमी अब कैसे। आपने एक लफ्ज़ सुना बार बार रात में, इन्होंने विजदान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विजदान, वाव के नीचे ज़ेर। विजदान कहते हैं ज़मीर को, दिल की आवाज़ को, विजदान। उसी की ताबीर उसी किताब में फितरत, फितरत, बहुत तवज्जो चाहूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि समझें, इस्लाम की जब बात आ रही है और इमाम हुसैन से रिलेटेड है तो समझें ज़रा सा इस्लाम है क्या। उधर दावा ये है कि इस्लाम फितरत में, यानी हर दिल की आवाज़ है। उधर हम देख रहे हैं कि मुसलमान जितने हैं उसमें अक्सरियत उनकी है कि जो परेशान है। उधर हम ये देखते हैं कि इस्लाम बदनाम है, तो मैंने तो ये नहीं देखा भूख बदनाम होती हो, प्यास बदनाम होती हो, मोहब्बत, सही वाली मोहब्बत बदनाम होती हो, गम और अंदोह बदनाम। ये सब तो फितरी चीज़ें हैं ना भाई, हमको फैलाना थोड़ी है, ये सब फितरी। इसका मतलब फितरी चीज़ें बदनाम। अब मैं सवाल करूँगा, जब इस्लाम भी फितरी है, दीन भी फितरी है, तो बदनाम क्यों? तवज्जो चाहूँगा, अगर दीन आपकी फितरत में है, मज़हब आपकी फितरत में है कि जिसका नाम इस्लाम है, तो बदनाम क्यों? क्या जवाब है? मुफ्तियान दीन क्या कहते हैं? क्यों ये जो फितरी दीन है, आपके दिल की आवाज़ है, आपके ज़मीर की आवाज़ है, किसी ने आपको सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, कहीं आपने स्कूल और कॉलेज में सीखा नहीं, हर दिल में मज़हब की ज़रूरत का एहसास पाया जाता है कि जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, तो मोहब्बत का भी एहसास है, रंज व गम का भी एहसास है, प्यास का भी एहसास है, भूख का भी एहसास है, मोहब्बत का भी एहसास है, और ये सब फितरत के ही नमूने हैं। तो ये तो बदनाम नहीं, मगर इस्लाम बदनाम है। ये बताइए क्या हुआ, क्यों इस्लाम बदनाम? तो फितरी चीज़ थी, इसको तो नहीं बदनाम होना चाहिए। तो अब मुझे कहने दीजिए, देखिए फिर मैं इसी मिसाल को इस्लाम से हट करके, आपने कहा मोहब्बत बदनाम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मिसालें मिल जाती हैं जहां बेचारी हो जाती है, तवज्जो चाहूँगा, जहाँ बदनाम हो जाती है। तो असल मोहब्बत तो बदनाम नहीं, वो फितरी है। इसका मतलब ये है कि अपनाने वाले, सेवांग करने वाले, पेश करने वाले, उसकी मिसाल कायम करने वाले, वो बदनामी का सबब बनते हैं, वो खुद बदनाम नहीं है। यही मिसाल इस्लाम के लिए भी है। जब हम असल इस्लाम को देखते हैं, कुरान में इस्लाम को पढ़ते हैं, पैगंबर की ज़िंदगी को देखते हैं, आइम्मा की ज़िंदगी को देखते हैं, तो इस्लाम अच्छा ही अच्छा है, कहीं बदनाम नहीं। मगर जहां उसके मानने वाले मैदान में कूद के आते हैं, इस्लाम बदनाम हो जाता है। हमसे बदनाम है इस्लाम, हमसे बदनाम है, क्योंकि हम जैसे मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। हम अपने को कहते हैं मैं मुसलमान हूं, और सुबह मस्जिद में जाने के बाद नमाज पढ़ी, गाढ़ी तकबीर के अल्लाहु अकबर, अलिफ में भी आयन निकाला, हमजे को भी आयन से पढ़ा, बड़ी गाढ़ी करात। उसके बाद जैसे ही गेट पार किया मस्जिद से, अब पहचान में नहीं आते, ये वही मुकब्बिर है,
जिसकी तकबीर की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। बहुत तवज्जो चाहूँगा, ये ज़िंदगी की मिसाल है, आप इसको समझ सकते हैं। ये खेल पैगंबर के ज़माने के बाद जो शुरू हुआ, आज तक ये खेल कायम है, और सन 61 हिजरी से जो ये खेल अपने चरम सीमा पर पहुँचा, तो इमाम हुसैन को मजबूर होना पड़ा कि वो दूसरे अंदाज से अपनी हिकमत अमली अपनाएं। अब इमाम हुसैन ने कहा कुरान पढ़ने से फ़ायदा नहीं, अब उनको ये पता चल गया कि नमाज की तबलीग से फ़ायदा नहीं। मस्जिद छलक रही थी, सहाबा का मजमा था, हुफाज मौजूद थे, कुर्रा मौजूद थे, मगर इस्लाम पर अमल नहीं था और इस्लाम के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही थी। तो हुसैन ने कहा अब कारनामा बदल करके पेश करना होगा। कहा अब अगर हम तारीख लिखना चाहें तो किताब में बंद हो जाएगी, फिर वही हाल होगा जो कुरान मजीद का हो रहा है। यही खुलफा, यही बादशाह जब मसनद पर बैठते हैं तो कुरान मजीद को अपने सामने रख करके तीरों का निशाना बनाते हैं, कहते हैं मेरे खिलाफ इस्तखारा आया है। जी ये खलीफा वक्त का वाकया है, मेरे खिलाफ इस्तखारा आया है, और उसके बाद निशाना बनाया और कुरान मजीद को छलनी कर दिया। याद रखिए अगर ये ज़हनियत आगे बढ़ेगी तो हुसैन अगर करबला में नहीं मारे जाएंगे तो क्या होगा? ये खिलाफत के गुल हैं, ये खिलाफत के गुल हैं। इमाम ने कहा अब मुझे हिकमत अमली बदलना पड़ेगी, अब मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, अब मैं शागिर्द तरबियत नहीं करूंगा, अब मैं मदीना में नहीं रहूंगा, अब मैं निकलूंगा। क्या कीजिएगा? बहुत तवज्जो चाहूंगा, क्या कीजिएगा? ऐसी तारीख रकम करूंगा कि वो तारीख मिटाए मिट नहीं सकती। तवज्जो चाहूंगा, कैसे लिखिएगा? कलम से, कागज पर? नहीं, मैं अपने खून से लिखूंगा। खून की तहरीर कभी मिटाई न जा सकी। अब आइए सुनिए इस्लाम के साथ खेल क्या हुआ, क्यों इस्लाम का नाम इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ है, क्यों हम इमाम हुसैन के बग़ैर इस्लाम को नहीं पहचानते। बहुत तवज्जो चाहूँगा, मैं इन अल्फाज को चाहता हूँ गौर से सुनिए। आज दुनिया में कहीं अगर इस्लाम, सच्चा इस्लाम पहचाना जाएगा तो हुसैन के बग़ैर और नाम हुसैन के बग़ैर नहीं पहचाना जा सकता। बहुत तवज्जो चाहूँगा, क्यों? इसलिए कि सारी खराबियाँ इस्लाम के नाम पर बताई जाती हैं, तो अब कैसे ये बात हम समझें, कैसे हम पहचानें कि इस्लाम अच्छा मज़हब है, फितरी मज़हब है, पैगंबर का लाया हुआ मज़हब है। तो एक ही मेयार है कि कुछ मिसाल हमें दिखाइए, तन्हा किताब से हम नहीं समझ सकते। तो दुनिया में दो तरह की मिसालें हैं पैगंबर के बाद, एक मिसाल ऐसी है कि जहां इस्लाम बदनाम ही बदनाम है, उसके मुकाबले में एक मिसाल ऐसी है कि जहां कम लोग पहुंचते हैं मगर जब पहुंचते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं, वो है अहले बैत की मिसाल। उसी की एक फर्द फरीद का नाम है हुसैन। पैगंबर ने फैलाया था इस्लाम को, इमाम हुसैन ने नहीं फैलाया था। हाँ, ये शुबा ना हो, गड़बड़ ना हो, इस्लाम को पैगंबर रसूल खुदा ने फैलाया। मुबल्लिगे इस्लाम वही, बानिए इस्लाम वही, इस्लाम उन्हीं के नाम से चला, मुसलमान उन्हीं के नाम से पहचाने जाते हैं। इस्लाम यानी पैगंबर इस्लाम आज भी कहा जाता है, तो इमाम हुसैन बीच में कहाँ से आ गए? इमाम हुसैन का क्या कारनामा है? इस्लाम पैगंबर से चला, आगे बढ़ा, इस्लाम पैगंबर से लिया गया, मगर पैगंबर फैला करके चले गए। अब मरहला उसके बचाने का था, तवज्जो चाहूँगा, उसकी पासदारी का था, उसके तहफ्फुज़ का था,
قرآن کا مطالبہ سنیے قرآن مجید کا مطالبہ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ مکمل طور پر تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ میرے عزیزوں میرے بزرگوں آپ آئمہ کو قرآن سے الگ دیکھتے ہیں آپ آئمہ کو اسلام کے دائرے سے الگ دیکھتے ہیں تب ہی غلطی کرتے ہیں ہم سے بھی خطاب ہے قرآن کا آئمہ سے بھی خطاب ہے قرآن کا پہلے مخاطب وہی لوگ ہیں لہذا جب قرآن مجید کا خطاب سب سے ہے تو پہلا خطاب کس سے ہوگا آئمہ سے خطاب ہوگا اگر وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے داخل کریں گے غور کیجئے ادخلو آواز آئی میں داخل ہو چکا ہوں ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کی راہوں پر پیغمبر کے زمانے کا شیطان کون تھا نام لیجئے پیغمبر کے زمانے کا شیطان کون تھا جو راستے میں روڑے اٹکا رہا تھا دین کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا ڈرتے کیوں نام لیجئے ابو جہل ابو سب ابو ابو ہیں ہاں ان کو ابو نہ بنائیے گا یہ معنی مسلط ہو جائیں گے یہ سب پیغمبر کے زمانے کے شیطان ہیں اچھا حسین کے زمانے کا شیطان کون ہے توجہ چاہوں گا میں آپ کی جب نانا کے راستے میں شیطان آ سکتے ہیں بلکہ شیاطین آ سکتے ہیں تو نواسے کو چھوڑیں گے پھر پلٹیے ان کے مقابلے میں پیغمبر کا کیا رویہ تھا توجہ چاہوں گا میں آپ کی خود ان کے مقابلے میں پیغمبر کا کیا رویہ تھا وہ بڑے مضبوط تھے ان کے پاس دولت بھی تھی افراد بھی تھے قوت بھی تھی طاقت بھی تھی اور پروپیگنڈا مشینری بھی سب کچھ ان کے پاس پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ان سب چیزوں میں سے کچھ نہیں پیغمبر کے پاس ایک چیز تھی پیغمبر کے پاس وہ کیا صداقت حق یہی تو پیغمبر کو اسی پہ یقین تھا ان کو کس پہ یقین تھا اپنی طاقت پر یقین تھا اپنے افراد پر یقین تھا پیغمبر نے کیا کیا انہوں نے پتھر پھینکا پیغمبر نے راستہ نہیں بدلا زخمی ہو گئے خون بہا پریشان ہو گئے راستے میں کانٹے بچھائے گئے پیر زخمی ہو گیا مگر راستہ نہیں بدلا مقابلہ کیا یہی ہے نا تو جب نانا نے راستہ نہیں بدلا اور دین کی تبلیغ انہی مشکلات میں شیطانوں سے مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے تو یہی عزم و ارادہ امام حسین تک منتقل ہوا امام حسین کو پہنچا تو نانا کو دیکھ چکے تھے کہ میرے نانا نے شیاطین کا مقابلہ کیسے کیا خود کبھی پیچھے نہیں ہٹے خود انہیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا لیکن آج بالکل سیاست بدلی ہوئی تھی امام حسین سمجھ گئے طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے افراد بھی میرے پاس نہیں ہے اور دولت بھی ہمارے پاس نہیں ہے مگر ہمارے نانا کا عزم موجود ہے ہمارے نانا کی صداقت موجود ہے ہمارے نانا کی حقانیت موجود ہے اگر ہمارے نانا تبلیغ دین میں ان پاور سے کام لے کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو اگر آج ہم انہی طاقتوں کا استعمال کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے یہ لوگ جو بحث کرتے ہیں حسین جیتے یزید یہ سب بے وقوف ہیں یہ احمق ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کی لڑائی تھی یہ سمجھتے ہیں اسلحے کی لڑائی تھی یہ سمجھتے ہیں افراد کی لڑائی تھی یہ سمجھتے ہیں سطح کی لڑائی تھی یہ سب گدھے ہیں یہ سب بے وقوف ہیں دین کی سرزمین پر جو آج تک آیا نہیں بہت توجہ چاہوں گا الفاظ میں آپ کو بہت ہی سمجھ بوجھ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ دین کی سرزمین پر آج تک نہیں آئے وہ کربلا کے مارکے کو مرتے دم تک سمجھ نہیں سکتے
और जो दीन की सरजमीन पर आए अगर हकीकी मानों में जर्रा बराबर भी दीन की बू उन तक पहुंची है, वो इमाम हुसैन से कभी जुदा नहीं हो सकते। कितने बेतौफीक हैं वो लोग जो कलिमा पढ़ के इमाम हुसैन के साथ ना हो सके। कितने बेतौफीक हैं वो कारियान कुरान जो कुरान मजीद की आयत को आज तक समझ न सके। कितने बेवकूफ़ हैं और बेतौफीक हैं वो हुफ्फाज़े कुरान जो आज तक नवासे रसूल की अज़मत को पहचान न सके। और कितने कितने बातौफीक हैं वो अफराद जो फर्श अदा को पहचान करके दौड़ दौड़ करके जाते हैं कि हमारी खुराक यही है, हमारी ग़िज़ा यही है, हमारी ज़िंदगी यही है, हमारी हयात यही है। दुनिया समझी नहीं, दुनिया समझी नहीं। ये विलायत का चिराग यूं ही नहीं जलता, ये इमामत का चिराग बड़ी रहमतों से। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, चूँकि हदीस है, मैं नुक्ते कम बयान करता हूँ, उसमें नहीं आता, और जब जहन आता भी तो फिर मैं अपने को फेर लेता हूँ ताकि असली बात पहुँचा सकूँ। हदीसों में है, सुनिए, बहुत तवज्जो चाहूँगा, दुनिया सुने समझे। माओं का किरदार बहुत अहम है विलायत में, आप यकीन करें, माँ का किरदार बहुत अहम है अहले बैत की विलायत में। क्योंकि हमारे सामने हदीस है, वो हदीस यूँ है, अहले बैत से दुश्मनी, दुश्मनी की बात है, अहले बैत से दुश्मनी कर ही नहीं सकता मगर ये कि उसकी नस्ल में कोई खराबी पाई जाती हो। दुश्मनी की बात है, एक मरतबा बेतवज्जो है, पहचानता नहीं या बिना सोचे समझे यूं ही कहता है, इसको दुश्मनी नहीं कहते। दुश्मनी उसको कहते हैं जो समझ बूझ करके किसी के साथ अदावत करे। बहुत तवज्जो चाहूंगा, अब अगर कोई मशीनरी समझ बूझ करके इमाम हुसैन के सामने महाजाराई करे, उनकी आज़ादारी को बंद करने की कोशिश करे, उनके जिक्र को ख़त्म करने की कोशिश करे, उनके मुकाबले में मिंबरों पर खतीबों को भेजे, तो इसका मतलब यह है कि किरदार में कहीं कोई खामी पाई जाती है, इसके दिल में उनकी मोहब्बत आ ही नहीं सकती। इस्लाम का मामला बहुत गंभीर है, और इस्लाम से ज़्यादा विलायत अहले बैत का मामला। लिहाजा मैं आज अपने जवानों से कहना चाहूँगा, यूं ही दुनिया की हवा में बहते हुए न जाएं, मुस्तकबिल के भी फिक्र करें, अगर कोई गलत इकदाम होगा तो ज़िम्मेदार खुद तुम होगे। और अगर ये अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल गई तो 60-70 साल 100 साल की ज़िंदगी कुछ नहीं होती है। तुम चाहे दुनिया की तमाम दौलत अपने घर में इकट्ठा कर लो, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आएगा तुम्हें एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। ये करबला है, हर सब्जेक्ट करबला में मौजूद है। औरतों का किरदार, बहन का किरदार, माँ का किरदार, बेटे का किरदार, भाई का किरदार, बेटी का किरदार, दोस्तों का किरदार, नमाजियों का किरदार, कारियान कुरान का किरदार, हाफिजान कुरान। आप समझते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, मैंने अपनी इन्हीं आँखों से पढ़ा है, हबीब इब्ने मज़ाहिर नमाज शब के एक सजदे में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करते थे, पूरा कुरान मजीद ख़त्म करते थे। ये मजहब की रूहानी ताकत है, मोजज़ा नहीं है। अगर किसी को कुरान मजीद समझ में आता है तो उसकी मानवियत इतनी लजीज है कि दुनिया की सारी लज्जतें फेल हो जाएं, वो घूम घूम के वहीं आता है। न जाने कब 12 बजे रात में नमाज शब शुरू होती होगी और किस सजदे में पूरा कुरान। इसीलिए आपको कहा जाता था आरिय कुरान, ये करबला में इमाम हुसैन के साथ थे, और उधर शराबी थे, जुआरी थे, नमाजी थे, मगर नमाज के अरकान की मुखालफत करने वाले थे। असल क्रीम तो इधर थे,
हम ये समझते हैं कि इमाम हुसैन के ऊपर इतना जुल्म हुआ इसलिए मज़लूम हैं। उलमा कहते हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है। दुनिया में कहीं भी जुल्म हो तो इंसान के दिल में इतनी नरमी पाई जाती है कि मज़लूम ही का साथ देगा। वो अगर यही बात इमाम हुसैन में देखें तो कोई ख़ास बात नहीं, क्योंकि ये भी मज़लूम है और वो भी मज़लूम है। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि इमाम हुसैन चाहते क्या हैं और उनके साथ आने वाले उनकी चाहत को समझते भी हैं कि नहीं, पहचानते भी हैं कि नहीं। चूंकि हुसैन को पाने वाले पहचानते थे इसीलिए करबला में गहराई पैदा हो गई। हम लोग नहीं पहचानते, हम जैसे लोग इमाम हुसैन को नहीं पहचानते, और अगर पहचानते होते तो यकीन करें एक ईसाई चंद लम्हे में मुसलमान हो गया। इसको कहते हैं शिनाख्त, वहब-ए-कल्बी। यह है हुसैनियत, ये कारनामा है इमाम हुसैन का। नाना का दिया हुआ दीन मुसलमानों से छूट गया, ईसाइयों तक पहुंच गया। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, यह है कारनामा इमाम हुसैन का कि इस तरह से तबलीग की है आपने। वाकया आपको पता है, मैं मसायब नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने जवान मजमे से ख़ास तौर पर, कि अगर अल्लाह ने तुम्हें उम्र दी है, तौफीक दी है, तो मजलिसों के अलावा किताब पढ़ने की आदत डालो। मौजूदा दौर में अगर दीन के बारे में किताब नहीं पढ़ी तो पीछे रह जाएंगे। और ये मैं देख के कह रहा हूँ, तजर्बा करके कह रहा हूँ, घूम टहल के कह रहा हूँ। मौजूदा दौर का जवान मुझ जैसे तालिब इल्मों से ज़्यादा दीन के बारे में जानता है। अब नुक्ता नहीं पसंद करने वाले जवान नुक्ता नहीं पसंद करते। गया वक्त, गया, जुमलेबाजी का दौर तमाम हो रहा है। किताब में क्या लिखा हुआ है, कारनामा क्या है, हुआ क्या, उसकी लॉजिक क्या है, उसकी मंतिक क्या है, हुआ क्या, आप हमको समझाइए। एक एक किरदार लोग समझना चाहते हैं। वो दौर आ गया है कि सीने पे हाथ पड़ने से पहले जवान पूछता है, मौलाना पहले समझाइए, क्यों मातम करें, आप घबराइए नहीं, आप परेशान ना होइए, हम तो मुंतज़िर हैं कि ये ज़माना और बढ़े, सवालात और हों, सवालात और हों। यकीन कीजिए शियत के अलावा कोई मज़हब रह ही नहीं जाएगा। तवज्जो चाहूँगा मैं, अगर सवालात बढ़ते गए और हमने भी जुरात की, हिम्मत की, मुतालिया किया, स्टडी किया, समझने की कोशिश की, तो यकीन करें आइंदा मुस्तकबिल शियों का मुस्तकबिल है और हम उसकी भनक अभी देख रहे हैं, धमक देख रहे हैं। इसी सऊदी अरबिया में बड़ी वहाबियत की तबलीग होती थी, ये बिदात, वो बिदात, वो बिदात, ये बिदात, अब सारी आवाज़ें दफन हो गई, ये बिदात के नारे लगाने वाले मर गए। गोया कहूं कि हुसैन के हुसैनी सैलाब में करबला के मातम की धमक से ये सब के सब मर गए। अब वो सिकुलर मुल्क होने जा रहा है, मगर दुनिया में बिदात की आवाज सुनने वाले और उनके मुकाबले में मातम करने वाले, फर्श आदा बिछाने वाले, हुसैन हुसैन करने वाले, सारी चीजों का जवाब एक जगह दे करके मुतमईन बैठे हैं। अभी और अमरीका का तसल्लुत होने दो, तब पता चले कि इस्लाम वहां से चला था मगर इस्लाम हमारे पास है, जिसको शियत कहते हैं, जिसको हुसैनियत कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शियत दमदार मज़हब है, वही फितरी इस्लाम है। हम लोग लफ्ज़ बदल बदल के कहते हैं ताकि हर दौर का ज़हन समझ जाए।
कि हमें कहाँ से लेना है। लिहाजा इमाम हुसैन की शख्सियत को समझना ज़रूरी हो गया। क्या कारनामा है उनका। एक ईसाई अमा ज़िंदगी बीत जाती है, आदमी मज़हब नहीं बदल पाता, और इमाम हुसैन ने राह कूफा में वहब की वालिदा से मुलाकात की। वहब खुद वहाँ मौजूद नहीं है, बकरियाँ चराने गए थे, देखा एक छोटा सा खैमा लगा हुआ है। इमाम है ना, यूँ ही बेतवज्जो होके नहीं जाता, उसकी नज़र रहती है, एक एक चीज़ पर नज़र रहती है, वो जानता है कहाँ रुका जाए कहाँ आगे बढ़ा जाए, किसको मुखातब किया जाए किसको मुखातब। काश मेरे अल्फाज ज़ाया न हो, हम भी इस दायरे में आते हैं, हम भी इस दायरे में आते हैं। इमाम खूब जानता, मैं मुश्किल ये है कि कह के आदमी फंस जाता है, लेकिन मेंबर की अमानत का तकाजा ये है कि बात अपने ख़िलाफ़ भी हो कही जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने मेंबर पर आने वाले हों इमाम उनसे खुश हों, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको क्या पता कि मैं यहाँ बिज़नेस करने आया हूँ या वाकई इमाम हुसैन का पैगाम पहुँचाने आया हूँ, ये तो वही जाने। और पहले दिन मैंने आपके सामने आगा जवाद मलिक तबरेज़ी के आदाब अज़ा में से पढ़ के सुनाया कि उन्होंने कहा आदाब अज़ा में से एक अदब ये है कि जितना हो सके खुलूस नीयत पैदा करो, एक मजलिस ऐसी करो कि कोई ये ना समझ सके मजलिस किसने बर्पा की। बानिए मजलिस का पता अब इसको आप फैला लीजिए। कुछ अशआर ऐसे पढ़ें कि हमारे दिल में फ़कत इतना ही हो, कोई वाह वाह करे कोई सुने, एक आदमी अगर है तो हमारा मौला राज़ी हो जाए। मुझ जैसे तालिब इल्मों के जहन में एक ख्याल होना चाहिए कि अशरे की एक मजलिस कोई ऐसी हो जाए कि जिसे हमारा मौला पसंद कर ले। बानियान मजलिस के दिल में ये तकाजा और ये तमन्ना होना चाहिए कि हमारी एक कोई मजलिस ऐसी हो जाए कि दुनिया मुतवज्जे ही ना हो और मजलिस हो जाए हमारा इमाम कबूल कर ले। बड़ी गहराइयाँ हैं, बड़ी गहराइयाँ हैं, सब चीज़ें बदली जा रही हैं। इमाम ने देखा खैमा लगा हुआ है, नज़दीक है, सलाम दुआ हुई, एक खातून बूढ़ी औरत निकली, उसका नाम कमर है। पूछा ये किसका खैमा है, वो बताया हम लोग ईसाई लोग हैं, हमारी बहू है, मैं हूँ और मेरा बेटा है। इमाम ने कहा कोई मुश्किल तो नहीं है। अब तारीख़ में अल्फाज यही हैं, कितनी बातें हुई क्या हुआ, अब उस औरत ने क्या समझा। कहा जब आपने पूछा है तो मैं बता दूँ, हम लोग छोटी फैमिली के लोग हैं, बड़े घराने के नहीं हैं, यहाँ पानी की मुश्किल है, पानी की किल्लत। आप जानते हैं पानी की किल्लत अरब में हमेशा से रही है, ज़रा सा भी कहीं पानी अगर मिल जाता था तो वहीं ज़िंदगी हो जाती, जब पानी ख़त्म हो जाता था तो वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते थे, इतनी पानी की किल्लत थी। इमाम ने पूछा तुम्हारा बेटा कहाँ गया है, कहा कि मेरा बेटा बकरियाँ चराने गया है। कब आता है, उसने वक्त बताया। इमाम ऐसी बातें करते करते आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक जगह पहुँचे वहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, वहीं बैठ गए। आपने कुछ ज़िक्र पढ़ा, पत्थर हटाया, एक चश्मा उबलने लगा, पानी का एक चश्मा उबलने लगा, मीठा पानी। उस औरत ने, ईसाइयों के बारे कुरान भी कहता है ईसाइयों का दिल नस्बत यहूदियों के और मुशरकिन के नरम होता है, और अगर पाबंद मज़हब हो तो बहुत ही ज़्यादा। और ज़ाहिर औरत ज़ात वैसे भी दिल नरम, उसने ये करामत देखी इमाम की तो समझ गई
ये तो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके दिल में उसी वक्त इमाम की मोहब्बत बैठ गई। इमाम खुदा हाफिज करने लगे और चलते चलते एक जुमला कहा, कहा हम सफ़र पे निकले हैं, बहुत तवज्जो चाहूँगा। इमाम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे इसका मतलब समझ गए हैं कि इसके अंदर सलाहियत है, वरना इमाम को ज़रूरत नहीं थी। बेनियाज़ाना ज़िंदगी बसर करने वाले, फ़कीराना ज़िंदगी बसर करने वाले लोग, उनको दुनियादारी से क्या लेना देना। कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा आए तो उससे कहना कि एक इस किस्म का शख्स आया था, उसे मददगारों की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। इस वाक़े में हम जैसे आज जो पैदा हुए हैं बहुत। इमाम ने ये लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि मुस्तकबिल के लिए हमें परवाने नजात दिया। अगर तुम समझते हो कि इमाम की मदद कर सकते हो तो इस फहरिस्त में अपना नाम लिखा दो। तुम खुद जानो इमाम की मदद कैसे करोगे, तुम अपनी सलाहियतें खुद जानते हो। मददगारों की ज़रूरत। लिखा ये है कि उसका दिल चाहता था कि उसी वक्त इमाम के साथ चली जाए, मगर उसने बेटे का इंतज़ार किया। 17 दिन कुल हुए थे, घर में बहू आई थी, 17 दिन कुल टोटल वहब की शादी हुई। माँ थी, जाहिर बात है कि बाप नहीं थे, माँ थी, जौजा, वहब आए, इमाम का काफिला आगे बढ़ गया। जब वह वापस आए तो माँ बहुत खुशहाल, कहा अम्मा क्या बात है, कहा बेटा एक बुज़ुर्ग आए थे, ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, ये देखो ये उन्हीं की करामत है। अब आप तसव्वुर करें कि पानी नहीं और पानी मिल जाए तो गोया ज़िंदगी वापस आ गई, मगर नहीं। जब जज्बा दीन बेदार होता है तो दुनिया खुद ब खुद छूट जाती। कहा बेटा, उन्होंने जाते जाते एक जुमला कहा, अम्मा क्या कहा, कहा उन्होंने कहा मुझे मददगारों की ज़रूरत है, जब आपका बेटा आए तो उससे कहो कि मेरे साथ आ जाए। बस उसके दिल में माँ के इन अल्फाज ने बिल्कुल तीर की तरह से असर किया। कहने अम्मा चलिए, ये लोग सब खैमा उजाड़ा और ले करके, इमाम अभी रास्ते में, एक जगह इमाम से जा करके मिले, इमाम को पता चला कौन आ रहा है, इमाम रुक गए, पहुँचे, तारुफ़ हुआ, इमाम ने इस्तकबाल किया। वहब नसरानी ईसाई, इमाम ने इस्लाम पेश किया। तवज्जो चाहूँगा, वहब ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गए, करबला में आ गए। आज 3री मुहर्रम है, बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं आप। होना तो ये चाहिए था कि कुछ दिन सब्र करते, इमाम से इजाज़त लेते, कहते मैं आ जाऊँगा। बाज़ मुसलमानों ने किया भी, कहा भी, राह कूफा में मिले, इमाम का साथ छोड़ के चले गए, वादा करके गए मैं आऊँगा। ये सब आपके जहन में रहे। वहब अपनी माँ की खिदमत में आए, माँ ने कहा बेटा तुम मेरी एक इकलौती औलाद हो, मैं चाहती हूँ कि तुम भी शहजादे हुसैन के दीगर असहाब की तरह अपनी जान उन पर कुर्बान कर दो। ये माँ के अल्फाज, बूढ़ी माँ के अल्फाज, जिसको ज़रूरत है। जौजा बैठी हुई है, 17-18 दिन की ब्याहता बीवी बैठी हुई है,
सुहागन और माँ जज्बात में रोती जाती है और बेटे को तैयार कर रही है, वह सर झुकाए सुन रहे हैं। बीवी कुछ नहीं कहती। असर आशूर नुमदार हुई, पहला हमला हुआ, 50 असहाब हुसैनी शहीद हो गए, हमले उला जिसको कहा जाता है। इमाम ने फौरन अपने असहाब को बुलाया, 72 की एक टुकड़ी तैयार की, जनाब अब्बास को अलमदार बनाया, जुहैर को मैमने पर, हबीब को मैसरे पर, खुद कल्ब लश्कर में जनाब अब्बास 72 की एक टुकड़ी नहायत हसीन अंदाज से, जिसमें बूढ़े जवान सब हैं, दुनिया ने ऐसे सिपाही कभी न देखे। वह भाई खिदमत इमाम में आए, मेरे आका, मेरे सैयदो सरदार, मेरे ख्याल दिल में तो रहा होगा कि आपने हमें नुसरत के लिए बुलाया है, मुझे यकीन है आप मुझे मना नहीं कर सकते। तवज्जो चाहूँगा, मुझे मेरी माँ ने भेजा है। इमाम समझ रहे हैं नज़ाकत को, इमाम कुछ नहीं कहते। खुद वो मोमिना आ गई, मेरे आका, मेरे सैयदो सरदार, हम आपके कहने से मुसलमान हुए, हम आपके साथ आए हैं, हमारी इस नाचीज कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। बात तमाम हो गई, जौजा सुन रही थी। जौजा ने कहा कि हुजूर, मेरे सैयदो सरदार, मुझे इजाज़त है? इमाम ने इजाज़त दी। कहा, मेरी भी ख्वाहिश। इमाम ने कहा, क्या ख्वाहिश? जौजा वहब ने कहा, आका, मैं एक गरीब घराने की हूँ, हमें कोई नहीं पहचानता, आप मदीने के हैं, आप पैगंबर के नवासे हैं, आपको सब पहचानते हैं, अरब का दस्तूर है कि जंग के बाद उनकी औरतों को असीर कर लेते हैं, आका आप हमें अपने अहले हरम में ले लीजिए, इसलिए कि अगर हम आपके अहले हरम में आ जाएंगे तो हमें असीर नहीं बनाया जाएगा। मेरी पहली वसीयत ये, पहली ख्वाहिश ये। इमाम के आंखों में आंसू आ गया, इमाम ने कुछ नहीं कहा। आका, एक ख्वाहिश और है। वो ख्वाहिश क्या है? कहा, आका, मुझे यकीन है मेरा शौहर शहीद होकर के जन्नत में जाएगा, मैं अपने शौहर के साथ ज़िंदगी नहीं बसर कर सकी हूँ, आका मेरी जानिब से मेरे शौहर से वादा लीजिए कि ये जन्नत में अकेले ना जाएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इमाम ने खुद ज़मानत ली, इमाम ने जन्नत में जाने की खुद ज़मानत ली, मगर असीरी के बारे में कुछ ना कहा, इसलिए कि इमाम को पता था कि हम कैसे वादा ले सकते हैं। अरे यार, सोच रही है, लेकिन कल का मंजर इमाम देख रहे होंगे, यही कूफे का बाजार होगा, यही शाम के रास्ते होंगे, मुखद्दरात इस्मत व तहारत होगी, मुनादी निदा दे रहा होगा, ए तमाशाइयो आओ, तमाशा देखो। वह घोड़े पर सवार हुए, मक्तल में आए, बूढ़ी माँ खैमे से अपने जवान बेटे की जंग देख रही थी, जौजा अपनी सास के साथ साथ थी, बेटा कोई कमी बाकी ना रहे, बेटा अगर कोई कमी बाकी रहेगी तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, खूब लड़े, जहां तक हो सकता था लड़ते रहे, एक मर्तबा गुर्ज आहनी पड़ा, वह त्योरा करके जमीन पर आए, माँ से देखा न गया, तड़प गई, एक मर्तबा खैमे के
की एक बल्ली निकाली, अमूद खैबा उखाड़ा, मक्कल की तरफ बूढ़ी माँ चली। इमाम को पता चला, अरे कहाँ जा रही है, अरे औरतों पर जहाज साकित है, तेरे बेटे का ये दाग कम है। मगर वो मोमिना नहीं थमती, एक मरतबा दौड़ी हुई मक्कल में आई, एक जालिम बड़ा बेटे का सर माँ के सामने कलम किया, सर माँ के पास फेंक दिया। माँ ने दौड़ के बेटे का सर उठाया, सीने से लगाया, बेटा मैंने दूध माफ किया, ए बेटा तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मगर एक मर्तबा वो सर लेकर के मक्कल की तरफ फेंक दिया, एक जुमला कहा, हम जो राहे खुदा में दे देते वापस नहीं लेते। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کر دے۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم کر دے۔ اے میرے مالک، ہمیں اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزی، طیب و طاہر روزی عنایت کر۔ پروردگارہ جو قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو بہترین کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس قریے میں ہم لوگوں کے اندر محبت، الفت اور عقیدت پیدا کر دے۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے، اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر۔ ماتم حسین۔